महाशिवरात्रि पर्व से पहले कांवड़िए नाचते गाते भक्तिमय रंग में अंबाला से होते हुए वापस अपने शहरों की तरफ जा रहे हैं, ताकि वो जाकर शिवलिंगों पर हरिद्वार से लाया हुआ जल चढ़ा सकें। हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के पास पड़ते हिमाचल के इलाके से हर साल माघ मास को कांवड़िए बार रास्ता अंबाला से हरिद्वार विभिन्न प्रकार के कांवड़ लेकर ढोल और डीजे की थाप पर नाचते गाते गंगा जल लेने जाते हैं। हिंदुओं के लिए यह महाशिवरात्रि का पर्व देश और प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह महाशिवरात्रि माघ मास की चौदस को मनाई जाती है। इस दिन शिव भक्त नंगे पांव चलकर हरिद्वार गंगा जी से जल भरकर शिवरात्रि से एक दिन पहले अपने अपने गंतव्य स्थानों तक वापस पहुंच जाते हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी पंजाब, हरियाणा और इसके साथ लगते हिमाचल क्षेत्र से हजारों कांवड़िए नंगे पांव चलते हुए अपने पैरों में पड़े छालों की परवाह किए बिना सड़कों पर नाचते गाते गंगा जल लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। शिव के प्रति अपनी अटूट आस्था के लिए दर्द को सहते हुए यह कांवड़िए बम बम भोले के जयकारे लगाते अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन कांवड़ियों का कहना है कि पूर्व की भांति अंबाला हरिद्वार रोड पर श्रद्धालु जगह जगह टेंट लगाकर इनके खान पान सहित कांवड़ रखने का उचित प्रबंध किए हुए हैं और इनके आराम के लिए भी विशेष प्रबंध किया हुआ है। गंगा जल लेके आते हैं, सुमराला के पास हमारा चैला गांव है, वहाँ पे मंदिर में चलाते हैं और शिवरात्रि और सावन के महीने में जाते हैं। भोले शंकर भी, हाँ, भोले शंकर की हमारे पे बहुत कृपा है। दो या दो से जा रहे हैं, 7-8 दिन का सफ़र होता है और शिवरात्रि के 12 बजे के पहले पहले हम गंगा जल शिव नीचे पर चला रहे हैं। समस्या नहीं है, पूरी बहुत बढ़िया शिव रहे हैं, भोले शंकर की कृपा है। हालांकि हरियाणा व पंजाब पुलिस भी दिन रात पैदल सफर तय करने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए गश्त करने के साथ साथ ट्रैफिक पर भी नजर रखती है और किसी भी तकलीफ के समय उनकी मदद को श्रद्धालुओं के साथ अग्रसर रहती है। उनका मानना है कि वे कई वर्षों से हरिद्वार गंगा जल लेने जाते हैं और रास्ते में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। पहले तो काफी दूर दूर तक कांवड़ शिविर होते थे, लेकिन अब श्रद्धालु जगह जगह ऐसे शिविर लगाकर कांवड़ियों की सेवा में लगे हैं। पुलिस भी पहले से ज्यादा मुस्ताद है। उनका कहना है कि शिवरात्रि से एक दिन पहले वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर स्थानीय शिव मंदिरों में भोले बाबा का गंगा जल से अभिषेक करते हैं और रंग बिरंगी ड्रेसों को उतारते हैं। हम हरिद्वार से चले हैं जी, लुधियाना पंजाब में जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पे शिवरात्रि महाशिवरात्रि के अवसर पर। शिवलिंग के रात को 12 बजे जल चढ़ाएंगे। रास्ते में बहुत अच्छे इंतजाम है, सब शिविर लगे हुए हैं, हर 5-5, 10-10 किलोमीटर पर शिविर है, हर तरह की सुविधा हमें मिलती है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया हुआ है हमारे भक्तों ने। ट्रैफिक ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई अगर हमारी थोड़ी बहुत आ भी जाती है तो पुलिस उसे संभाल लेती है, हमें निकलने का रास्ता देती है, बाकी सब कुछ ठीक है वहाँ पे। हम 5 साल से लगातार जा रहे हैं जी, हम सावन और शिवरात्रि का जल लेकर जाते हैं हर 2 साल में 2 बार। पूरी कृपा भोलेनाथ की।